हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऐसा शरबत जिसे गर्मियों में बनाया जाता है और अगर आप इसे पीकर धूप में भी खड़े हो जाओगे तो गारंटी है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी लू नहीं लगेगी। तो चलिए इस शरबत को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने इमली का यूज़ किया है जो कि मार्केट में अभी आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास ये वाली इमली ना हो तो आप जो बिना बीज वाली इमली होती हैं उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 गिलास पानी और पानी में डालेंगे हम इमली को। तो इमली के छिलके को हमने पहले ही उतार लिया था और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे जिससे कि आसानी से गल जाए। तो यहाँ पे हमने 150 ग्राम इमली को इसमें डाल दिया है। सारी इमली को हम इसमें डालेंगे और इसे हम 2 से 3 घंटे तक भिगो के रख देंगे। अगर आपको बहुत जल्दी बनाना है तो हल्के गर्म पानी में इसे भिगोकर आधे घंटे के लिए रख दीजिए। और ये देखिए कितनी बढ़िया ये इमली फूल गई है। तो अब हाथों को अच्छे से साफ कर लेंगे और इसे मसलते हुए इसका पल्प निकाल लेंगे। इस इमली को हमें हाथों से ही मसलना है ताकि इसके जो रेशे और बीज है वो अलग हो जाए। अब इसे हमें छान लेना है। तो यहाँ पे हमने बाउल ले लिया है, इसके ऊपर छन्नी रख देंगे और इसे हम छान लेंगे। तो इसे मसलते हुए छानेंगे ताकि जो इसके रेशे और बीज है वो छन्नी के ऊपर रह जाए और इसका पल्प है वो नीचे आ जाए। फ्रेंड्स, इस इमली पन्ना में हमें न कोई झंझट है और ना ही कोई मेहनत, बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको छान लिया है और बाकी का जो बचा हुआ था उसे भी हम छान लेंगे। इतना आसान इमली पन्ना आप जब भी मन करे तो बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको छान लिया है, ये बहुत ही गाढ़ा है तो इसमें हम पानी बाद में डालेंगे। अभी इसमें डालेंगे 100 ग्राम गुड़ जिसे हमने बारीक बारीक टुकड़ों में कर लिया है और इसे इमली के साथ ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गुड़ इसके अंदर अच्छे से गल जाए। और ये देखिए हल्के से छोटे छोटे टुकड़े रह चुके हैं, इसे हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए गुड़ भी आसानी से पिघल चुका है और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम फिर से छानेंगे ताकि जो छोटे मोटे गुड़ के टुकड़े रह भी गए हों वो ऊपर निकल जाए। तो इस तरीके से हम इसको छान लेंगे। फ्रेंड्स, गर्मियों में आप इस इमली पन्ना को जरूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए ये हेल्थ के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। अब इसमें हम 1/2 गिलास और पानी डालेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पतला पसंद है तो इसमें पानी और डाल दीजिए और अगर हल्का सा गाढ़ा पसंद है तो ये पानी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले। तो 1 चम्मच हमने भुने जीरे का पाउडर डाला है, 1 चम्मच ही काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें सेंधा नमक, थोड़ा सा इसमें बारीक कटे हुए पुदीने डालेंगे, ये फ्रेश पुदीना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आप बोतल में भरकर 15 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आपको पीने का मन करे तो आप इसे पी सकते हो। तो ये लीजिए इमली पन्ना, इमलाना, इमली झोल या जो भी आप इसे बोलते हो वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ये पीने में तो बहुत ही टेस्टी है और ये हेल्थी भी बहुत ही होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस इमली पन्ना को आप चीनी के साथ भी बना सकते हो लेकिन जो गुड़ से इसका टेस्ट बढ़कर आता है वो बहुत ही लाजवाब होता है और गुड़ के साथ बनाया गया तो बहुत ही हेल्थी होता है। तो एक बार आप भी इस तरीके से गर्मियों में इमली पन्ना ट्राई कीजिए। इस इमली पन्ना को आप गर्मियों में रोज बनाकर पीजिए तो आपको लू बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ट्राई जरूर कीजिए।